चिल्ला में विद्युत मंडल के इंजीनियर को पीटने वाले दो व्यक्ति गए जेल, अन्य की तलाश जारी। ट्रांसफार्मर को लगाने को लेकर हुआ था विवाद, विद्युत मंडल के कर्मचारियों को बनाया था बंधक। त्योथर के चिल्ला गांव का है मामला। चिल्ला में विद्युत मंडल के इंजीनियरों को पीटने वाले दो व्यक्ति गए जेल, अन्य की तलाश जारी। ट्रांसफार्मर को लगाने को लेकर हुआ था विवाद, विद्युत मंडल के कर्मचारियों को बनाया था लोगों ने बंधक। त्योथर के चिल्ला गांव का है मामला। चिल्ला में बीते दिन दबंगों ने लाइनमैन को पीटा, इंजीनियर को मारा, बंधक बनाया। मामले में दो लोग गए जेल, 6 से ज्यादा लोगों पर हुआ मामला दर्ज। बिजली कंपनी के सहायक यंत्री के साथ मारपीट का मामला त्योथर संभाग के चाकघाट वितरण केंद्र अंतर्गत चिल्ला गांव से सामने आया, जिसमें ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान हुई घटना से नाराज कर्मचारियों ने बिजली भी बंद कर दी थी। क्षेत्र की बिजली बंद करने के बाद बामुश्किल वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश पर देर रात चालू हुई थी। चिल्ला गांव में ट्रांसफार्मर लगाने गए बिजली कंपनी के इंजीनियर को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया था। वारदात उस समय हुई जब सहायक यंत्री गगनेश अकोड़िया अपने साथी कर्मचारियों के साथ पर ट्रांसफार्मर लगाने गए थे। दरअसल चिल्ला में ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान सहायक यंत्री और पूर्व सेना के कमांडो अरुण गौतम के बीच बातचीत हो गई। विवाद ज्यादा बढ़ गया। गौतम ने अपने दर्जनों साथियों को बुलाकर सहायक यंत्री को एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान एई लगातार चीलते रहे, मदद की गुहार लगाते। इस दौरान एई सहित पूरी टीम को लोगों के साथ मारपीट भी की गई। चिल्ला गांव में जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था उसका अरुण गौतम विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे दूसरी जगह पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए। बिजली कंपनी के कर्मचारियों पर दबाव बना रहे थे, लेकिन एई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर जिस स्थान पर लगाने के लिए लाया गया है उसी स्थान पर लगाया जाएगा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना की जानकारी लगने के बाद SDOP समरजीत सिंह पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने एई को आरोपियों से मुक्त कराया। मौके पर मौजूद मारपीट के आरोपी अरुण गौतम सहित उनके साथियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लाया गया। वहां से आज इनको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। इस घटना से नाराज बिजली संघ के कर्मचारियों ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और बिजली आपूर्ति को ठप कर दिया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में दो लोगों को जेल का रास्ता दिखा गया। बामुश्किल बीती रात समझाइश के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति बहाल की थी। घटना के बाद आक्रोशित बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी बंद कर दी। बड़ी संख्या में कर्मचारी थाने पहुंच गए थे और घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया था। हमने कुछ जिम्मेदार लोगों से बात की, सुनिए पुलिस विभाग विद्युत मंडल के लोग इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ये विद्युत विभाग के अपने त्योंथर के क्षेत्र के कर्मचारी आज ट्रांसफार्मर लगाने के लिए चिल्ला गए थे, चिल्ला गांव। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, ट्रांसफार्मर नहीं लगाने दे रहे थे और अपनी मनचाही जगह लगाने के लिए उनको दबाव बना रहे थे। उसमें जेई साहब भी हैं जिनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था और कर्मचारियों के साथ मारपीट के संबंध में रिपोर्ट हुई है थाना चाकघाट में, जहाँ से उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 353 वगैरह अन्य धाराओं में, और जेल वारंट तैयार करके और उनको जेल भेजा गया है। अरुण गौतम मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। इसमें जो भी लोग शामिल हैं, कुछ वीडियो भी देखेंगे और कर्मचारियों के बयान लेंगे, तो जो भी इसमें शामिल होंगे सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। चाकघाट वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्राम चिल्ला का मामला है, जहाँ पर हमारे लाइन स्टाफ के द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई की जा रही थी। 100 का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था और 25 का ट्रांसफार्मर गाड़ी में लदा हुआ था, उसको ज़बरदस्ती दूसरी जगह लगाने के लिए गाड़ी में ले जा कर कर रहे थे। उसी दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है और उस मार जैसे ही कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो संभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुँचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, बंधक बनाया गया और इस कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसको लेकर के हमारे पूरे कर्मचारी मौके पे गए। फिर और TI साहब भी गए साथ में, तो उन्होंने मौके पे उन बंधक कर्मचारियों को रिहा करवाया।